और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप मैं स्वागत करता हूँ और सुप्रभात और खास रीति से वे जो आज की सुबह ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़े हैं और इस मनन में भाग लेंगे दिस इज अ न्यू डे और ये एक नया दिन है एंड गॉड फॉर हिज फेथफुलनेस

listening to his voice और इससे पहले कि हम अपने दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त हो जाएं होने दे हम कुछ क्षण अपने कानों को परमेश्वर के वचन के लिए दे। and listen listening to his voice comes through his word और उसकी वाणी को सुनने के लिए उसके वचन को सुनना आवश्यक है today's meditation is a continuation of uh, uh, the meditation we had uh, um previously on saturday और आज का जो हमारा मनन था वो हम जारी रखेंगे हमारा जो पहला भाग हमने शुरू किया था पिछले शनिवार को बेस्ड ऑन चैप्टर वर्स जो जो कि निर्भर था रोमियो की पत्री <coughs> उसका पांचवा अध्याय और दसवें वचन पर दिस पैसेज फॉर इफ वेन वी वर गॉड्स एनिमीज वी वर रेक टू हिम थ्रू द डेथ ऑफ ए सन हाउ मच मोर

जीवन है एंड इज मोर लाइफ और एक बहुतायत का जीवन है लेकिन हम सिर्फ जीवन में ही कदम रखते हैं बट इन जॉन्सल चैप्टर टेन टेन से और यह रचित सुसमाचार उसका दसवा अध्याय और दसवें वचन कहता है टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय चोर आता है चुराने के लिए नाश करने के लिए और भेदने के लिए आई हैव कम दैट दे मैं इसलिए आया कि उनके पास जीवन हो। अबंडेंटली और बहुत तायत से वो जीवन उनके पास हो लाइफ इज द लोवेस्ट लेवल और याद रखिए जीवन वो सबसे निचले स्तर पर है और जो जीवन का बहुतायत का चरण है या उच्च ऊंचा चरण है वो है बहुतायत का जीवन मेजोरिटी ऑफ क्रिस्टियन स्टेप इन टू दैट लाइफ दैट जीसस गिव्स और जो ज्यादातर मसीह है वो यीशु मसीह जो जीवन देता है उसमें कदम रखते हैं लेकिन उस स्तर पर हम कदम नहीं रखना चाहते जो है बहुतायत का जीवन। आज के दिन जो दूसरी बात है जिसे हम देखेंगे द बाइबल टॉक्स अबाउट दिस passage वी रेड टॉक्स अबाउट reconciliation.

दस वी आर रेक टू क्राइस्ट और इसके द्वारा हम प्रेस मसीह में मेल मिलाप हो जाता है

ेश्वर के शत्रु बन गए एंड इन ऑर्डर टू ब्रिंग एस बैक टू हिम और इसके द्वारा कि हमें वापस रिश्ते में ले आए गॉड सेंड सन जीसस हु डाइड ऑन द क्रॉस एंड शेड हिज ब्लड फॉर for गिवनेसिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे को भेजा जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया और उसके लहू बहाने के द्वारा हम क्षमा किए गए और परमेश्वर के साथ फिर मिलाप हो गया we are reconciled to Christ. और इसके हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और उसमें हमारा मेल मिलाप हो गया But we need more than this. लेकिन हमें इससे कहीं और ज्यादा चाहिए और वो है जीवन का एक उच्च चरण वी नीड अ न्यू लाइफ हमें एक जीवन की आवश्यकता न्यू डायनामिक एक नया बदलाव वीस प्रोवाइड इन और जो प्रभु मसीह अपनी मृत्यु में हमें उपलब्ध कराता है वो जीवन का एक पहलू है दैट इज दुता है वो खत्म हो गया दसवीआर इसके द्वारा हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया वी प्रोवाइड इन लाइफ Is something else. लेकिन अपने जीवन में जो हमें देता है वो कुछ और है सो वी नीड टू स्टेप हायर फ्रॉम द लोअर और इसलिए हमें निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ना है लेट बी मैक इट क्लियर और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगी इन इज डेथ उसकी मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया एंड इन लाइफ और उसके जीवन में इन इनवर्ड इन रेसरेक्टेड लाइफ उसके पुनरुत्थान के जीवन में वी हैव क्राइस्ट हिमसेल्फ हमारे पास यीशु मसीह है वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत महत्वपूर्ण है वी हैव रेकंसिलेशन एंड वी आर ऑन अवर वे टू हेवन और हमारे पास वो मेल मिलाप हो गया है और हम अपने स्वर्ग की और हमारे पास विजय है और उसके द्वारा हमारे पास हमारे साथ स्वर्ग है एंड दस हेवन इनाश और इसके द्वारा स्वर्ग हमारे अंदर है ना बिकॉस ऑफ द्राइस्ट अब ये मसीह की उपस्थिति के द्वारा We have heaven inside of us. Hamari under vo swargamo judhe. Yes.

वर्ल्ड और दूसरे शब्दों में a us while we are in this world. एक स्वर्ग जो हमारे भीतर है जबकि हम इस संसार में जीवित है एंड सो दर्ड थिंग जो तीसरी बात है जो हमें देखना है इन क्राइस्ट

और उसमें पाया जाऊं नॉट है राइटियसनेस ऑफ माई ओन ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ दैट कम्स फ्रॉम द लॉ जो व्यवस्था से है बट दैट विच इज थ्रू फेथ इन क्राइस्ट वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है yeah, yeah, yeah. And that is Christ in us. और यह है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे भीतर है एंड सो so,

क्या दास हो क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा वन और ये एक हमारे मसीही जीवन का पहलू है We are made alive towards Christ. और इसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित किए जाते हैं higher लेवल लेकिन इस जीवन को एक दूसरे ऊंचे चरण में पहुंचना है इन Galatians चैप्टर टू verse ट्वेंटी गलातियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय बीसवा वचन आई एम क्रूसीफाइड with क्राइस्ट मैं मसी के साथ उस क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं Therefore इसलिए आई died. अब मैं जीवित ना रहा एंड आई नो लॉन्गर लिव पर मसी मुझ में जीवित है बट क्राइस्ट Lives in me. अब मैं जीवित नहीं हूँ लेकिन प्रभु ये मुझ में जीवित लाइफ आई नाउ लिव आई इन दन गॉड हू एंड शरीर में अब जो जीवित हूँ तो जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने को, अपने आप को दे दिया दर इज नायर फैसे और life. ये एक मसीह जीवन का ऊंचा चरण है वर्ष ट्वेंटी सेवन कुल की पत्र उसका पहला अध्यायी वहाँ पर चर्च कलिस में जाना नहीं एंड नोट बीम बिस्मा लेना नहीं नोट टेकिंग कम्युनियन प्रभु मेज में सहभागिता नहीं इट इज क्राइस्ट हिमसेल्फ

Things anyone can do. लेकिन ये बातें तो कोई भी कर सकता है लेकिन याद रखिए ये सारी बातें आपको सच्चा नहीं और एक प्रभु की जो प्रार्थना है उसे बार बार बोलने से भी But आप सच्चे it is नहीं बनते। within you, the hope of glory. लेकिन याद रखिए ये तो यीशु जो आपके भीतर है और महिमा की आशा And it is है। He who makes all the difference. और ये तो यीशु ही है जो हर एक अंतर को लाता है फैशन और ये एक जीवन का दूसरा पहले आर इन हम उसमें है फॉर वे फॉर आवर फॉर गिवनेस हमारी माफी या क्षमा के लिए एंड ही इज इन आर और वो हम में है फॉर आर विक्टोरिय हमारी जय के लिए forgiven, और जब हमें क्षमा मिल जाती है हमारा मेल मिलाप हो जाता है और हम ये साथ हो लेते हैं बट दैट लाइफ टू बी लिवोरियस लेकिन उस जीवंत को विजय या जयवंत रूप से जीना है दैट है और ये होता है प्रभु येशु मसीह के द्वारा जो हमारे अंदर है एंड वी आर इन हिम हम उसमें है for protection सुरक्षा के लिए बट ही इज इन अस फॉर पावर लेकिन वो हमारे भीतर है सामर्थ के लिए हालेलुया हालेलुया एज़ लॉन्ग एज़ वी आर इन हिम वी आर प्रोटेक्टेड और याद रखिए जब तक हम उसमें बने रहेंगे हम सुरक्षित रहेंगे बट लेकिन ही हैज़ टू बी इन अस लेकिन उसका हमारे भीतर होना आवश्यक है फॉर पावर टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ ताकि हमारे पास वो सामर्थ हो कि हम एक जयवंत जीवन जीने पाए नाउ वी आर इन हिम फॉर हैवन और हम तो उसके साथ हैं उसमें है स्वर्ग के लिए वेन लेटर ऑन जब वो बाद में जाएंगे जैसे कि हम सब इंतजार कर रहे हैं कि यीशु का दूसरा आगमन हो और वो हमें is, ले जाए the one facet of life. और ये जीवन का एक पहलू चरण भी है लेकिन एक ऊंचा चरण भी है। और वो तो हमारे भीतर है ताकि स्वर्ग का अनुभव हमें इस स्थान पर इस समय मिल जाए and that we may be able to see और ताकि हम खुद को और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर बैठा देख very important और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन हिम फॉर salvation और हम उसमें हैं उद्धार के लिए एंड ही इज इन फॉर satisfaction और वो हमारे भीतर है कि हमें तृप्त कर दे सो यू अंडरस्टैंड the आर facets of Christian life. और क्या आप समझ पा रहे मसीही जीवन के दो पहलू हैं? That is why I said in the beginning, Christian life is a twofold life. और इसलिए मैंने पहले ही कह दिया और ये आपको बताया था कि मसीही जीवन दो तरीके का जीवन है जिसमें हमें दो चरण होते हैं और और दो चरण होते हैं low, और एक होता है निचला चरण एंड वे यू लाइक टू और आप कहां पर रहना चाहते हैं बहुत दोनों ही जरूरी हैं। step, और आप हो सकता है निचले स्तर पर हो बट द लोअर लेवल हायर लेवल लेकिन उस निचले स्तर से हमें उच्चे स्तर तक पहुंचना है एंड फोर्थ ली देर फोर्थ और इसलिए चौथी बात यह है देर इज अट एंड इज सोल रेस्ट और वहां पर एक

और उसका 28वें वचन से लेकर के वचन ने कहा, हे सब विश्राम करने वालों और बोध से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा टेक my yoke अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी फॉर आई एम जेंटल एंड humble इन हार्ट

तुरंत ही आपको विश्राम मिल For जाएगा कम क्षण हम यीशु के पास आते हैं and take our first step towards Christian life. और अपने मसीही जीवन में पहला कदम रखते हैं Immediately we experience a peace and a rest. तुरंत ही एक विश्राम और शांति का अनुभव हम करते हैं But it is a rest of forgiveness. लेकिन ये वो विश्राम है जो क्षमा का विश्राम है इट इज अरेस्ट ऑफ रिलेशनशिप और ये रिश्ते का एक विश्राम है दिस डिपेंड्स ऑन To Jesus. और ये निर्भर करता है यीशु के पास आने पर। But in verse 29, लेकिन वचन में, रेस्ट में और वो कहता है कि तुम्हारे मनों को शांति या विश्राम मिले एंड दिस डिपेंड्स ऑन टेकिंग योक ऑफ क्राइस्ट और ये निर्भर होता है इस बात पर कि आप प्रभु यीशु मसीह का बोझ उठाते हैं या सिंबल ऑफ और ये बोझ किस बात का दिखाता है नॉक यू नो व्हाट इज द वर्ड फॉर योक वर्स you know, 29। जुआ हाँ जुआ यू नो योक स्टैंड्स फॉर सबमिशन और ये जुआ किस बात को दर्शाता है ये दर्शाता है निर्भरता को या समर्पण को सो वेन यू कम टू क्राइस्ट एंड यूर सिंस और जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं और आपके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं रिलेशनशिप्लिश तब एक रिश्ता दोनों के बीच हो जाता है एंड दैट अस सम इमीडियट रेस्ट एंड पीस और ये रिश्ता हमें एक तुरंत ही एक शांति एक विश्राम को देता एक ऊंचा चरण भी जीवन का है यह शिसवें वचन में कहता है मेरा जुआ उठाओ क्योंकि वो हल्का है एंड दैट इज ए सिंबल ऑफ सबमिशन और ये चिन्ह है या या दर्शाता है निर्भरता को समर्पण को सी वाई मेनी क्रिस्टियन लिव इन फेलियर और क्यों बहुत से मसीह सफलता में जीते हैं यू कैनॉट एंजॉय विक्टोरी अनलस यू सबमिट यूर सेल्फ इन ह्यूमिलिटी द लॉर्डशिप ऑफ जीस आप जयवंत या विजय का स्वाद तब तक नहीं सकते, चक जब तक आप दीनता में खुद को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित ना कर दें। तो सकते हैं उसे अपने प्रभु और स्वामी के रूप में अंगीकार कर सकते पहलू है जो दूसरा ऊंचा चरण है यू लिव इन टोटल सबमिशन ऑफ हिस्स लॉर्डशिप आप अपने पूर्ण निर्भरता से उसकी पूर्ण प्रभुता में जीते in that life, और उस जीवन में यू आर नो मास्टर ऑफ यूर आप अपने जीवन के कोई स्वामी नहीं The Lord is your याद रखिए परमेश्वर आपका स्वामी है यू जीवन का न्याय नहीं करते यीशु मसीह आपके जीवन का स्वामी बन जाता है और वो जो न्याय करता है आपको नियंत्रित भी करेगा वट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी क्या है Just serve him. उसकी सेवा करें

जीसस क्राइस्ट तब आप अपने जीवन को पूर्ण समर्पण में जीते हैं तब आप उसी अनुसार चलना शुरू कर देते हैं एंड दैट इज इज वेरी जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड यीशु मसीह ही वो प्रभु है रूल्स यू वो आपके ऊपर अपने जीवन का नियंत्रण है आपको नियंत्रित करता है यू आर ओनली अ सर्वेंट और आप सिर्फ एक दास हैं रेडी टू रिसीव द कमांड्स एंड दर्व जो तैयार है कि आज्ञा को सुने और उनका पालन एंड इट इज इन दैट सबमिशन और उस समर्पण और आज्ञाकारिता में यू फाइंड यूर Perfect rest for your soul. उसी में आप अपने सिद्ध विश्राम को पाते हैं And the sixthly, और there is a peace और छठी बात के पास है एंड इज ऑल्सोड और एक परमेश्वर का शांति भी है रोमन चैप्टर verse, uh, verse one और रोमियो की पत्री उसका पांचवा अध्याय और पहला वचन फिलिपियंस चैप्टर वर्स फिलिपींस और फिलिपियो की पत्री चौथा अध्याय सातवा वचन एंड आई वॉन्ट टू से फ्रॉम फिलिपियंस इट इज मोर क्लियर और आइए हम फिलिपियों की पत्री उसका चौथा अध्याय सातवें वचन को देखें। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसी यशु में सुरक्षित रखेगी एंड द पीस ऑफ गॉड विच अंडरस्टैंडिंग विल गॉड योर हार्ट्स एंड योर माइंड्स इन क्राइस्ट जीसस नर्सेज रिजॉय इन द लॉर्ड ऑलवेज I will say it again. Rejoice. और जो उसके ऊपर का वचन है वो कहता है प्रभु में आनंदित हो जाओ मैं फिर से कहता हूँ आनंदित हो जाओ Let your gentleness be known to all. होने दे तुम्हारी नम्रता सबको पता चलने पाए The Lord is near. क्योंकि परमेश्वर निकट है And uh, Then it says, और उसके बाद वो कहता Do not है, be anxious about anything. किसी भी बात को लेकर परेशान या thanksgiving to God. लेकिन प्रार्थना विनती और निवेदन में अपने सारी विनतियों और प्रार्थनाओं को परमेश्वर के रखो। and the peace of God which passes all understanding will guard your minds and your hearts in Christ Jesus और परमेश्वर का वो शांति जो उससे आता है तुम्हारे विचारों और तुम्हारे मनन मनो को रक्षा करेगा there is a peace of god और परमेश्वर का शांति है and then the, the the god of peace और वहां पर परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है romans chapter 5 verse 1 और रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय पहला वचन अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखें आमीन एंड वन्स यू आर रेकन्साइल्ड टू गॉड व्हाट डू यू हैव और जब आपका मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया है तो आपके पास क्या है गॉड इज नोन एज़ द गॉड ऑफ पीस और याद रखिए परमेश्वर शांति का परमेश्वर कहलाता है एंड ही इज ऑन योर साइड और वो आपके साथ है हालेलुया हालेलुया

and holiness और धार्मिकता और पवित्रता knowing the right and keeping a right relationship with christ सही बात को सच्ची बात को जानना और सच्चे और सही रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह के साथ रखना that is righteousness यह है धार्मिकता and so when you have a, a a knowledge of christ and through that knowledge you राइट रिलेशनशिप विद गॉड और जब आपके पास परमेश्वर का वो ज्ञान है तो उस ज्ञान के अनुसार आप परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता रखते हैं राइट रिलेशनशिप विद गॉड और जब आपके पास परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता है यू ग्रो इन होलीनेस तब आप पवित्रता में बढ़ते चले जाते हैं इज होलीनेस पवित्रता क्या है होलीनेस इज बीइंग सेपरेट फ्रॉम और others. पवित्रता का मतलब है हमें अलग किया गया है एक खास उद्देश्य के हालेलुया हालेलुया सेपरेट फ्रॉम अदर्स और उसे हमें अलग किया गया है वी आर डिफरेंट हम अलग हैं वी सर्व वी नो अ होली गॉड हम एक पवित्र परमेश्वर को जानते हैं वी वर्षिप अली गा और हम एक पवित्र परमेश्वर की आराधना करते And हैं और हम उस पवित्र परमेश्वर की इच्छा जानते And हैं और हम पवित्रता में चलते रहते हैं सो वी है इसलिए हमारे पास धार्मिकता है And we have holiness. And it is this holiness that makes us one. In so, my friends, may the Lord bless you as you begin your day today. और मेरे मित्रों मेरे भाई और बहनों परमेश्वर आप सबको आशीष दे जैसे कि आप इस दिन की शुरुआत करते हैं इस बात को जानते हुए कि जीवन के दो पहलू हैं। हम लिव तो निचले चरण में रह सकते हैं आई एंड इग्नोर द हायर और वो जो ऊंचा चरण है उसके प्रति मन फिरा सकता आई एंकरेज यू मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा मेक ऑल दी एफर्ट हर एक प्रयत्न और परिश्रम आप करें हायर लेवल की आप उस ऊंचे चरण में कदम रखने इज गुड टू बी रेक और यह तो अच्छा God. है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए बट देन इट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट दैट वी हैव क्राइस्ट हिमसेल्फ इन अस और यह भी जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर बना रहे मे द लॉर्ड ब्लेस परमेश्वर हम सबको आशीष थे एंड ऑलवेज स्टेपिंग अप और होने हम सब हमेशा ऊंचे चरण में कदम जब तक हम यीशु मसीह से आमने सामने ना ये और जब हम उसे देखेंगे और कलिसिया के उठाए जाने के लिए वो आएगा we shall be like him. हम उसके समान हो जाएंगे दिस इज गॉड्स प्लान और you. ये है परमेश्वर का योजना हमारे लिए गॉड बि रिच लाइफ और जैसे कि आप इस समृद्ध जीवन को जीते है Hallelujah. Hallelujah. God's blessing be upon you.